ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ। ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਸਕੈਮ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁਚੇਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਲਰਟ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट की बात हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो, चाहे वो लिंक्स भेजकर जिस तरह से ठगी की जा रही है, और इस तरह के मामले लगातार काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं और लोग काफी ज्यादा जो है वो ठगे जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार साइबर क्राइम, साइबर एक्सपर्ट और चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में स्पेशली एक लैब भी तैयार किया गया है चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से। लेकिन जिस तरह से लोगों को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह की सावधानी रखनी है, ये बहुत जरूरी है कि लोगों को अवेयर किस तरह से होना है, क्योंकि साइबर ठगी इस तरह की ठगी है कि लोग समझ नहीं पाते कि उनके साथ ठगी की जा रही है। हमारे साथ मिस्टर अमित जुड़ रहे हैं, उनके साथ उनकी टीम है, और एक सॉफ्टवेयर, एक बहुत ही खुशी की बात है कि एक सॉफ्टवेयर लाया जा रहा है जिससे काफी चीजों में जो लोग हैं उनको पता चलेगा कि वो इस तरह की ठगी की जा रही है, उसको किस तरह से रोका जाए। अमित हमारे साथ हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम है। अमित जी, क्योंकि साइबर ठगी एक ऐसी ठगी है जो लगातार बढ़ रही है, हालांकि अवेयरनेस की कह सकते हैं कमी है, साइबर क्राइम पुलिस लगातार काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ठगी की जाती है, और बड़े ही शातिर तरीके से जो शातिर ठग है वो अपना काम कर जाते हैं। सर, ऐसा होता है कि ना आपको एक कॉल आता है, उस पर एक पुलिस वाले की फोटो लगी होती है, तो बेसिकली ना ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर पुलिस को आपसे कोई बात करनी है, आपको बुलाना है, तो आपको 14 का नोटिस भेजेंगे पहले। अगर 14 का नोटिस नहीं भेजा और आपको बुला लिया, तो पहली बात है आपने जाना नहीं ना कोई बात करनी है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन वॉइड होता है, उसका कोई मायने नहीं होते। आप पुलिस से कितना भी कर लो, आपको जो देना है वो लिखित में पुलिस देती है। तो जब आपके 14 का नोटिस आया तो आप जाओ और उनसे बड़ा से बात करो क्यों बुलाया था। वो आपको एक्चुअली उसमें लिखकर भी देते हैं कि हमने इस धारा पे इस केस एक लगा था, उसके संदर्भ में आपसे बात करी, और आपको वो अगर फर्जी डॉक्यूमेंट भी दे देते हैं तो आप गवर्नमेंट की साइट पर जाके जहां आप एफआईआर चेक कर सकते हैं, वहां जाके चेक करो ये केस चल रहा है किसी का और इसमें एक्चुअल में नाम आ रखा, तब आप 14 का नोटिस को। जिस तरह से बिल्कुल एकदम डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, वीडियो कॉल की जाती है, पीछे से जो बैकग्राउंड होती है वो महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस और पुलिस की वर्दी में बैठकर जो ऑफिसर है वो अपने आप को कहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पैनिक जरूर खड़ा हो जाता है। सर वो ये अब हर लोग भोले भाले होते हैं, उनको नहीं पता होता, कई लोग गांव के होते हैं, वो बेचारों ने कभी पुलिस देखी ही नहीं कभी भी। तो एक मेरा मैसेज भी यही है कि आपके पास कोई भी कॉल आता है तो पूरे हमारे भारत के संविधान में ऐसा डिजिटल ऐसा कोई संविधान का कोई है ही नहीं कि आपको कोई बोले किसी घर पे रुक जाओ और इतना पैसा दे दो, तो ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये है, पुलिस आपसे पैसे नहीं मांगती कभी भी सीधा, ना ही कोई आपको वो क्रिप्टो का वॉलेट देगी, ना ही कोई बैंक अकाउंट देगी, आपसे कुछ भी तरीके से पैसे नहीं मांग सकती। ये बहुत अहम है सर, आपकी तरफ से जो आपने साइन किया है, जो आपके साथी खड़े हैं वो सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं, उस सॉफ्टवेयर की सबसे पहले तो जानना चाहेंगे स्पेशलिटी क्या है, किन किन चीजों पर वो काम करता है, लोगों के लिए किस तरह से वो वरदान साबित हो सकता है। देखिए, ये बहुत टेक्निकल होता है। टेक्निकल ऐसा होता है, स्कैम में बहुत तरह के वेरिएशन हैं। वो एक एक साइट खोल सकते हैं, जैसे मान लो वो खोलेंगे dillipolice123@gmail.com का एक ईमेल बना लिया, फिर उससे एक डोमेन बुक करा dillipolicehariyana-करके.com बना दिया कुछ भी, तो आम आदमी को समझ नहीं आता कि दिखता पन्ना सेम है बिल्कुल। अब इस तरह के डोमेन में क्या होता है कि आपको कोई एक्सपर्ट नहीं करना, आप एक प्लगइन को इंस्टॉल करो, हम 200 रुपए का देते हैं, उससे भी कम का दे रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको बोला कि भाई इतना हमारा बजट नहीं है, तो हमने कहा और कम में देंगे। आपने प्लग इंस्टॉल करना है, कोई भी स्कैम वेबसाइट आएगी आपको कोई परवाही नहीं है, वो खुलेगी नहीं आपके कंप्यूटर के अंदर, वहीं की वहीं रुक जाएगी और आपको आगे बढ़ने नहीं देगी उसके अंदर, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करता है। और लेजिटिमेट वेबसाइट होगी तो एकदम से खुल जाएगी, फिर जाओ मर्जी करो आप, तो मतलब आप 200% तरीके से प्रोटेक्ट हो गए, आप अपने कंप्यूटर को लगेगी आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड आपको नहीं हो सकता आपका। इसके अलावा जो क्लाउड्स में डाटा होता है वो कहते हैं कि काफी सेफ होता है, लेकिन आजकल उसमें भी ज्यादातर जो है वो ठगी की। सर एक ना बहुत पुरानी, मैंने भी बचपन में सब सारा पढ़ा, मुझे 20 साल हो गए कंप्यूटर में हाथ मारते हुए, क्लाउड एक बार कोई चीज नेट पे चली गई तो वो सेफ नहीं है। आप 50 तारे लगा लो, अगर तो मैंने भी किया है, मैंने पहले मैं बहुत पुलिस के साथ काम किया, तो आप कोई भी डेटा कहीं पड़ा है मैं भी निकाल लेता हूँ, मैं यही काम ही है मेरा डेटा का, तो मैंने खुद देखा था डार्क वेब के ऊपर, कोई ऐसा नहीं है डार्क वेब, कोई डार्क की वेबसाइट होती है, डार्क वेब भी एक नॉर्मल वेबसाइट ही होती है, बस ऐसा होता है कि खुली और थोड़ा गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, बस जिस वो एक महीने के अंदर खुली रह गई है और उसको फिर कोई बंदा एक्सेस कर ले तो वो एक छोटा सा बिटकॉइन देके आपका पूरा डेटा हैक कर लेगा। इनफैक्ट आपको ये बताऊं, आपका जो आधार कार्ड का डेटा था वो बिक रहा था थोड़े टाइम पहले, फेसबुक का डेटा कई बार हैक हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का हुआ, लिंक्डइन का हुआ, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका डेटा बच जाएगा। तो आपका सॉफ्टवेयर इस में किस तरह से सेव करता है चीजें, किस तरह से वो बताएगा कि ये सही है या गलत है।
देखो हम क्या करते हैं, हम ना छोटा सा एल्गो लगाते हैं। तो एल्गो बहुत सिंपल सा है, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल है, वो इतना बताया था कि वो साइड स्कैमर की है कि नहीं है। अब क्या होता है कि एक स्कैमर जो होता है वो ना बार 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 अपना आईपी चेंज करता है, मगर एक चीज पैटर्न बिल्कुल फॉलो करता है। वो ना आपको कई सारे होते हैं, साइड मैप्स होते हैं, रोबोट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं वेबसाइट के अंदर, पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करते तब जाके वेबसाइट बनती है। वो ये नहीं करते, वो नहीं चाहते गूगल को आए कोई बिंग का सर्च इंजन आए, याहू का आए, वो आपको एक्सेस कर ले, फिर लोगों को पता चल जाए, वो चीजों को हटा के रखते हैं। दूसरा डोमेन की एज होती है। तो बहुत सारे एल्गो के फैक्टर हैं, आई थिंक 260 फैक्टर्स होते हैं जिसको हमने मिला के एक एल्गो बनाया। सर इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है जो आजकल आ रही है, खासतौर पर पंजाब में आपने देखा होगा, जो गैंगस्टर्स हैं विदेशों से कॉल करते हैं, थ्रेट कॉल होती है, धमकियां होती है, एक्सटॉर्शन होती है, वो जो नेट के नंबर यूज करते हैं उनको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है कई बार। उसको लेकर भी आपका सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, उसको सर सॉफ्टवेयर का तो उसका कुछ लेन देन नहीं, वो होता है वाइप का होता है। वाइप में क्या होता है, अगर आप कहो तो मैं आपको अभी भी एक डेमो दे सकता हूँ राइट नाउ। उसमें क्या होगा, मेरा फोन बंद होगा, कोई उसमें कोई हर तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है, आप एयरप्लेन मोड पर डाल दो, फिर भी मैं आपको अपने नंबर से कॉल कर दूंगा। कि क्या होता है, जैसे बहुत सारी ऐप है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि क्रिमिनल यूज कर लेंगे, कि ये ऐप जो ऐसी चल रही है कि मेरा फोन बंद है, मेरा फोन स्विच ऑफ है या फ्लाइट मोड पे है, लेकिन मेरे नंबर से कॉल जाएगी। पक्का पक्का सर, बहुत सारे होते हैं। एक्चुअली मैंने ट्राई ने एक रूल निकाला था कि हम इस तरह के कॉल को बंद करेंगे, पर क्या होता है यही चीज आप बाहर की कंट्री में खरीद लो, जैसे कि ना कनाडा में नहीं है, कनाडा के इंटीग्रेशन पे थोड़े से खराब चल रहे हैं, तो कनाडा में नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं कनेडियन कार्ड से चीजों को बाय कर रहे हैं। तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि सेंडर का नंबर डिफाइन कर दो, सेंडर के कॉल से आपको कॉल चला जाएगा, इवन फोन बंद है कुछ नहीं। तो आपको मानो ना मानो, मेरे पास बड़े सारे बंदे आए जो मतलब पुलिस डिपार्टमेंट अलग अलग शहरों से आते थे, वो पूछते हैं सर होता कैसे है। तो जो आप उसे पूछ रहे हैं एग्जैक्ट वो चीज उन्होंने पूछी, बट वो कुछ भी बहुत सिंपल चीज है, लाइक बच्चा भी कर लेगा कि एक कोई भी बाहर से एक नंबर लिया आपने, उसके अंदर क्या होता है एपीआई मिलती है कॉल, वो ट्रेसेबल है सर? सर वो ट्रेसेबल नहीं, वो एक्चुअली में तो उसका सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन तो ये है कि जब कॉल आता है ना तो वॉइप कॉल आ रहा है और नहीं आ रहा है, ये गवर्नमेंट ट्राई, क्योंकि ये मेरे पास ऑप्शन आया था थोड़े टाइम पहले, गवर्नमेंट ने कहा था अगर पॉसिबल है तो हम कर लेंगे, तो ये ऑप्शन अब आया कि चल के कि क्योंकि बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं और सारी कॉलें वॉइप की कॉल है, नॉर्मल कॉल तो कोई भी नहीं है, ये व्हाट्सएप कॉल भी करते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी वॉइप कॉल ही कहलाता है। सिग्नल भी सेफ नहीं है सर? सब सेम है, सब सेम है, सब वॉइप ही है, कोई नहीं है। दुबई में एक चलता है, मैं उसका नाम भूल गया, बोटिम, दुबई में बोटिम तो ऑफिशियल है, बोटिम को दुबई की गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है, ऐसी इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेना, बाकी जितनों को जितने भी है बाकी सबको बैन। इसका सलूशन क्या है, क्योंकि फिर तो ये तो चीजें अगर नहीं कोई ट्रेसेबल है तो सर गवर्नमेंट अगर परमिशन दे तो सलूशन अभी एक मिनट में बन जाए। तो गवर्नमेंट अगर बता देना कि हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं और आप बना दो इसको, तो अभी इसको बनाने में शायद 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ऑथराइज कौन करेगा? अब वो ये ना, हमने धीरे धीरे ट्राई करा, अभी हम गवर्नमेंट लोगों से मिलकर बात धीरे धीरे बात कर रहे हैं, सारी चीज चल रही है। सर आपका जो कोऑर्डिनेशन हुआ है ऑस्ट्रेलियन के साथ, वो किस तरह का आपस का कोऑर्डिनेशन हुआ है? मैं ना डेटा का बंदा था, मैंने बहुत लंबे अरसे 20 साल का एक्सपीरियंस है डेटा का, डेटा कहाँ से निकलता है, जाता कहाँ पे, कैसा होता है, कैटेगराइज कैसे करना है, तो आई एम नो A to Z। एल्गो इन्होंने बनाया, ही इज अ वेरी नाइस गाय, इन्होंने एल्गो बनाया, ही नोज द एल्गोस थिंग, तो इन्होंने अपना बनाया, और भी टीम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक देयर वी आर। एल्गो इंपॉर्टेंट है, वही मेन चीज है एल्गो? सर दोनों चीजें होती हैं, आप मान के चलो कि एक गाड़ी है और एक पेट्रोल है, पेट्रोल पर चल के तो जाएंगे। क्या काम है सर? एल्गो बताता है पूरा कि डेटा के अगर ये पॉइंट अगर मैच कर रहे हैं तो ये स्कैमर होगा, और ये पॉइंट नहीं मैच कर रहे तो ये नॉर्मल होगा। और अभी हमने टेस्ट किया था, पहले हमारी ना एक्यूरेसी आती थी 96, 97, 97, अब आती 100%, जब हमने अभी पूरी एक्यूरेसी आप लोगों की है, इवन आप प्लगइन को इंस्टॉल कर लो अभी। तो आप गवर्नमेंट के साथ टाई अप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत अहम है और गवर्नमेंट को या पुलिस को तो ये चीजें चाहिए। हाँ, अभी हमने जैम की साइट पर डाला है, रिसेंटली डाला है, अभी अप्रूवल का वेट कर रहे थे हम भी, तो जैम पर डाला, तो अब गवर्नमेंट को हम धीरे धीरे अब लेटर सेंड कर रहे हैं, हमने दिया आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को दिया, MEIT को दिया, फिर हमने यहाँ के जो क्राइम ब्रांच है वो दिया, मैंने अलग एक था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया, तो मैंने बहुत से लोगों को डेमो दिया, उनको अच्छा भी लगा। पर बात वही होती है ना कि इसे अगर आप ब्राउजर टू ब्राउजर ब्लॉक करोगे तो एक अलग बात है, एक एक बंदे पर जाके आप इंस्टॉल करोगे, सिंपल से NIC के सर्वर में जाओ, IP को अटैच कर दो, आएगा ही नहीं। ये सिचुएशन होती है जब लगातार हम कवरेज करते हैं, अगर हम किसी भी साइड का, एक तो फेक साइड बहुत है, उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, गूगल पे आप सर्च मारो फेक साइड आ गई, उसके नंबर पे कॉल करो वो फेक होता है, कोई भी ऑर्डर दो ऑर्डर आएगा नहीं, आपके पैसे जो है वो ऑनलाइन, उसको किसी तरह से उसको ट्रेस कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं? हाँ सर, उसको ट्रेस बिल्कुल किया जा सकता है। अभी हमने एक डेमो अंदर दिया था, उसमें ना एक ट्री ग्राफ था, वो आपको बता देगा, इमेजिन करो अभी आप ना अभी राइट नाउ cyberfort.com पे जाओ, ठीक है ना, वहाँ पे जाने के बाद डोमेन आएगा उसमें डालना, ठीक है, जैसे आपने yahoo.com डाला,
तो आपको बताया कि yahoo.com के ना इतने सारे डोमेन और भी चल रहे हैं, और याहू का कनेक्शन oath.com से है, याहू कनेक्शन वेरीसाइन INC से है, याहू का कनेक्शन और किसी किस से है। इनफैक्ट अभी ना मैंने एक पोस्ट करी थी लिंक्डइन के पर, तो ना कि याहू ने जितने डोमेन बुक करे हैं अपने, या गूगल ने करे, या मान लो ये safer.com है, इन्होंने safer.com का कुछ करा, इनका और कनेक्शन कहाँ कहाँ पर है। अब इमेजिन करो कि एक बंदा इन्वेस्टर है, वो कहता है कि जी मैं आज अपना कुछ 10-15 मिलियन डॉलर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो उसने पूछा क्या आप कुछ करते हो, तो और कुछ करते हो, तो बंदा बोला नहीं करता, या करता हूँ व्हाटएवर बता देगा। फिर उसको वेरीफाई करने के लिए एक चीज़ आती है, बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस में क्या होगा, वो बंदा किसी कंपनी को हायर करेगा, वो महीने दो महीने में एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा, ये बंदा और ये सब करता है, यहाँ पे एक सेकंड में हो जाता है। काफी चीजें जो है वो ट्रेसेबल है और टाइम टू टाइम है, क्योंकि कई चीजों में टाइम लग जाता है। हाँ, अब जो APTs होती है, पाकिस्तान का एक APT है, APT 36 ट्रांसपेरेंट ट्राइब, अगर गूगल करके मिलेगा, ये कॉन्टिन्यूस अटैक करते हैं, कॉन्टिन्यूस। रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सीधे कनेक्शन को ब्लॉक कर दो मलेशियस वेबसाइट का, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने वो किया भी था, इंडियन गवर्नमेंट ने एडल्ट साइट सारी बंद कर दी एक टाइम में आके, बहुत सारे स्कैम्स वगैरह को बंद करे एक टाइम में, पर वो एक टाइम था कि एक बंद कर दिया, उसके बाद भी बहुत सारे खुल गए, तो उनके पास ना कोई डेटा सेट नहीं है, तो डेटा सेट जो है एक एल्गो के साथ एक प्लगइन में हमने फिट करके सेफर का, यानी कि जो ये एल्गो बनाया गया है, तैयार किया गया इनकी तरफ से, वो सेफर है, यानी कि वो 110% कह सकते हैं कि आगे तक इन फ्यूचर चलेगा, या कुछ लिमिटेशन, कुछ टाइम लिमिट होता है सर? वो हर सेकंड में अपना अपडेट होता, अपने आपको अपडेट करता है, लाइव चलता है सारा, तो इस वेरी कॉस्टली। तभी तो हमने करा कि हमने सीधे गवर्नमेंट को अप्रोच करा कि ठीक है, इतना पैसा लगाया गवर्नमेंट के लिए बनाया, तो अब दे देते हैं, तो अभी हमारा बस यही चल रहा है, तो उसका नाम हमने इसलिए सेफर रखा, इज सेफ। ये बहुत जरूरी है जैसे सर ने बताया, और बड़े ही टेक्निकल तरीके से अगर हम समझना चाहें तो जिस तरह से साइबर अटैक होते हैं, साइबर क्राइम जो लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल रैश की बात जैसे सर ने बताई, या फिर जो कॉल्स, थ्रेट कॉल या एक्सटर्शन कॉल्स आती हैं, उसको लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें खास तौर पर इंडिया में देखने को मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे सॉफ्टवेयर भी अब तैयार किए जा रहे हैं जिससे आसानी से पता चल सकता है कि ये स्पैम कॉल है, या इस तरह से ये जो इस तरह की स्कैम्स लगातार कॉल्स आ रही है, उससे बचने के लिए क्या क्या तरीके हैं, उसको लेकर कई सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार किए गए। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, 18 पंजाब।